नमस्कार, मैं निलांजय तिवारी। मॉलिटिक्स की टीम चुनावी यात्रा पर है और चुनावी यात्रा पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पहुंच चुकी है। ये कौन सा इलाका है आप बताएंगे? नई सीमापुरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कभी सरकार की तरफ से कोई आपको हटाने आया, या फिर कभी सरकार की तरफ से कोई ये कहा कि कहीं और हम आपके लिए जगह देंगे, वहाँ व्यापार करिए? आए हैं, हमें हटाए भी है, कमेटी वाले आए यहाँ पर, सर हमसे उठाया है, इन्हें भर के ले गया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधरे, ना हम सुधरे। हमने यही काम करा, क्यों हमारा काम यही है। यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद इनसे त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है तो इनको अब हटा भी नहीं सकती है। यहाँ से सांसद है मनोज तिवारी जी, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और भाजपा अध्यक्ष हैं दिल्ली के। जब वो नितिन गडकरी जी के साथ बैठते हैं तो बड़े बड़े रोडों और हाईवे की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में सिर्फ 3 कदम की सड़क है और बाकी घिरा हुआ है। उनकी सरकार है लेकिन वो इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पानी का बिल कहते हैं कम कर दिया, लेकिन ये बताइए पानी क्या मिलता है समय से? नहीं, टैंकर आती है, टैंकर। अच्छा। जहाँ हमारे यहाँ 3 गाड़ी आने की जरूरत है, वहाँ हमें 1 गाड़ी दी जाती है। अच्छा। वो भी कभी आधी आती है, फुल भी नहीं आता है। हम देखते हैं 1000 लीटर पानी है, उसमें से 600 लीटर आती है। क्यों आती है ये हम लोगों को पूरी नहीं देते। सरकार और शासन प्रशासन आंकड़े बड़े बड़े देती है, लेकिन ये जो जनता है ये अपने आंकड़े खुद बता देती है कि जहाँ 3 टैंकर की जरूरत है वहाँ सिर्फ 1 टैंकर आता है, 1000 लीटर का, वो भी आधा आता है। ये पानी का, और जो आंगनबाड़ी बनना चाहिए बच्चों के लिए, छोटे छोटे गरीबों के लिए, आंगनबाड़ी में भी 300 रुपए लेते हैं, बच्चों को खाना कुछ नहीं देते, ऐसे रख देते हैं। स्कूल का फ्री है, पढ़ाई कुछ नहीं है, सर जी फोन में बिजी रहते हैं, मैडम बिजी रहते हैं, बच्चे बाहर घूमते हैं। अच्छा, अगर आपको संदेश देना हो, सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी हो, तो आप क्या कहेंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं हमारी जो भी परेशानी है वो दूर करो, और जैसा आपको वोट देते हैं देते रहेंगे, पर आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं करोगे वोट लेने के साथ। मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद हैं, कितनी बार आके यहाँ बैठ के? एक बार भी झाके नहीं है। हमने देखा भी नहीं कौन सा मनोज कुमारी है, कौन है, हमें कोई पता नहीं है। तो ऐसे हमारे किरायेदारों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, और फिर एक अध्यादेश और एक नियम लागू करने की बात कर देते हैं कि जो 6 महीने या साल में भर या 12 साल रह लिया तो वो भारत का नागरिक हो जाता है। ये सब बातें जब कागजे खंगोलेंगे तो निकल के आती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है जो किरायादार है वो अभी भी 8 रुपए 10 रुपए यूनिट दे रहा है, जो किरायादार है वो अभी भी राशन कार्ड को झेल रहा है, जो किरायादार है उसको वो सरकारी सुविधाएं नहीं उठा पा रहा है। सरकार जरा आँख खोलिए और इनको, इनके बारे में समझिए। इनके भविष्य को तो आप नहीं सुधार पाए, बिगड़ गई, और लेकिन इनके बारे में सोचिए जरा कि ये जो यहाँ खड़े हैं ये कहीं उस बिल्डिंग में या फिर कहीं अफसर बन के कहीं जाएं, लेकिन आप नहीं समझेंगे। देखते रहिए मॉलिटिक्स।